और सबसे पहले खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी है। विधानसभा में कलिंगा विश्वविद्यालय की पीएचडी डिग्री का मामला उठाया गया, जिसमें बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने ये मामला उठाया। उन्होंने कलिंगा विश्वविद्यालय में पीएचडी कराने के मापदंड की जानकारी मांगी। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि यूजीसी के मापदंड के अनुरूप ही पीएचडी कराई जाती है और अजय चंद्राकर ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कराई जा रही पीएचडी की जांच कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक चंद्रदेव राय के सवाल पर उद्योग मंत्री की जगह मोहम्मद अकबर के जवाब देने पर आपत्ति उठाई गई है। इस दौरान सत्ता पक्ष के बीच में हंगामा हुआ, वहीं सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये परंपरा उचित नहीं है और मुझे लगता है कि प्रश्नकाल का जो समय है वो समय को खराब करते हैं और इतने जनहित के मुद्दे लगाए जाते हैं, तो कृपया इस पर आप थोड़ा सा निर्देशित करें। थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र का आज दूसरा दिन था, सदन में हंगामा हुआ और वॉकआउट कर दिया गया। तो यूजीसी विश्वविद्यालय का मामला भी सदन में उठाया गया और कितनी हंगामेदार ये आज की कार्यवाही रही, इसे जानने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका बघेल जी। जैसा कि आज दूसरा दिन था छत्तीसगढ़ विधानसभा का, कितना हंगामेदार रहा? देखिए, आज जैसा कि पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन तो केवल जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, और आज दो दिन के अवकाश के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आज विपक्ष जो है वो बेहद आक्रामक जो है मुद्रा में था। भाजपा के अलावा जेसीसी के विधायक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में थे और यही वजह था कि आज दो दो बार सदन में वॉकआउट किया विपक्ष ने। सबसे पहले प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया जब उद्योग मंत्री कवासी लखमा से विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया था और उस सवाल का जवाब उद्योग मंत्री की जगह जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने जब जवाब दिया तो इस पे जो है इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि उद्योग मंत्री क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं जबकि उनके विभाग का जुड़ा मसला है। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी गई कि मंत्रिमंडल सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पे काम करता है और सरकार सामूहिकता से चलती है, इसलिए कोई भी जवाब दे सकता है। आज किसी जरूरी काम से कवासी लखमा सदन में हाजिर नहीं हो पाए हैं और इसलिए उन्होंने विधिवत इसकी सूचना भी दी है। ऐसे में विपक्ष को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए और इसी बात पर काफी हंगामा हुआ। पूर्व के उदाहरण भी विपक्षी सदस्यों ने दिए कि जो उद्योग मंत्री है वो सदन में नहीं बोलते हैं, जवाब नहीं देते हैं और इसलिए इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया था। ठीक इसी तरह अंडे जो मध्यान्ह भोजन में अंडा जो दिया जा रहा है बच्चों को देने का जो निर्णय लिया गया उसकी उस बात को लेकर भी सदन उबला और उस बात पर भी हंगामा हुआ कि बच्चों को मांसाहार क्यों प्रेरित किया जा रहा है और इस पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ये दलील थी कि कुपोषण से लड़ने में अंडा बहुत कारगर होगा इसलिए सरकार का ये निर्णय है, इस बात पर भी सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। शराबबंदी के मुद्दे पर भी जो है सदन में चर्चा हुई और विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि जब सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर सत्ता में आई है तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है और इस बात पर भी हंगामा हुआ। तो बहरहाल लगातार सदन में हंगामा चल रहा है और इस बीच दो बार सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। फिलहाल ध्यानाकर्षण के मुद्दे पर चर्चा जारी है। जी जैसा कि मनोज जी सदन में हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया गया, लेकिन अभी कौन से ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिसकी मांग विपक्ष द्वारा की जा रही थी कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? विपक्ष के तमाम विधायकों से अगर बातचीत हुई हो तो क्या उनका कहना है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और जो उठाने की मांग वो कर रहे हैं? देखिए, जो हंगामा हुआ है वो मुख्य तौर पर हंगामा हुआ है कि अंडा जो बच्चों को खिलाने का निर्णय सरकार ने लिया है
उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और जिस तरह से एक बड़ा यहाँ पर कबीरपंथियों एक बड़ा समुदाय है जो कि मांसाहार का विरोध करता है, शाकाहार व्यवस्था जो है वो उस पर विश्वास करता है, इस बात को लेकर लोगों का कहना था कि सरकार इस संबंध में पुनर्विचार करे और इस निर्णय पर रोक लगाए कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को अंडा दिया जाना है। इसी तरह से शराबबंदी के मुद्दे पर जो है सरकार को घेरा गया, उनसे जवाब चाहा गया कि शराबबंदी जब आपके घोषणा पत्र में था, आपने यही वादा करके सत्ता हासिल किया है और उसके बाद शराबबंदी के लिए कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है, ये लगातार विपक्ष का आरोप था और इसी बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ और इसी बात को लेकर वो सदन में चर्चा चाह रहे थे। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल।